फोटोशॉप में जब हम किसी इमेज की एडिटिंग करते हैं तो हम कुछ कमांड्स को यूज करते हैं और कई बार हमें सेम कमांड्स को दूसरे इमेजेज पर भी अप्लाई करना होता है। यानी कमांड का यूज सेम होता है लेकिन इमेजेस डिफरेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए और समय बचाने के लिए फोटोशॉप में एक्शन को यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि एक्शन क्या है? फोटो एडिटिंग के दौरान हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर हम उन स्टेप्स को रिकॉर्ड करके सेव कर लें तो वो फोटोशॉप में एक्शन बन जाता है। और नेक्स्ट टाइम अगर हम उसी तरह का काम करें तो उस एक्शन के लिए हमें सिर्फ कीबोर्ड की एक की प्रेस करना होगा और कुछ ही सेकंड्स में वो काम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक्शन बनाते कैसे हैं, तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल में हम लेंगे एक 4x6 साइज की इमेज जिसमें 8 पासपोर्ट साइज की फोटो हमें बनानी है। अब हम ओपन कर लेते हैं उस इमेज को जिसकी हमें पासपोर्ट साइज की इमेज बनानी है। तो फाइल मेन्यू में जाके हम इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। अब हम इस इमेज को क्रॉप करेंगे पासपोर्ट साइज की जो इमेज है उसी के अनुसार। तो 4x6 की शीट में अगर हम 8 पासपोर्ट के साइज बनाते हैं तो जो इमेज साइज होती है वो होती है 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। तो हम क्रॉप टूल की सहायता से इस इमेज को क्रॉप कर लेते हैं 3.5x4.5 cm में। यहाँ पे ये जो क्रॉप टूल में हमें ऑप्शन बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें विड्थ इंटू हाइट इंटू रेजोल्यूशन सेट करना है और यहाँ पे हमें इसकी विड्थ 3.5 cm सेट करनी है और हाइट इसकी 4.5 cm सेट करनी है और यहाँ पे 300 पिक्सल पर इंच सेट करना है और इसके बाद में हमें ओके प्रेस कर देना है। तो ये जो इमेज है इस वक्त 3.5x4.5 cm में सेट हो गई है। अब हम बनाते हैं इस इमेज के लिए 4x6 साइज की शीट जिसमें 8 पासपोर्ट साइज इमेज होंगी। तो ये शीट बनाते वक्त हम एक्शन भी बना लेते हैं ताकि अगर किसी और इमेज का हमें पासपोर्ट साइज का 8 इमेज का शीट बनाना हो तो हम वो सिर्फ एक की प्रेस करके कुछ ही सेकंड्स में तैयार कर सकें। तो एक्शन बनाने के लिए आपको विंडो मेन्यू में जाना है और यहाँ पे ये एक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसे आप Alt प्लस F9 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शंस में पहले से बना हुआ अगर कोई एक्शन है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा और नया एक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू सेट पे क्लिक करना है। न्यू सेट में आप सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे, और इस न्यू सेट के अंडर में हमें बनाना है एक न्यू एक्शन। एक्शन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे हम इसे नाम देते हैं और यहाँ पे आप फंक्शन की वो की जिसे आप प्रेस करके ये एक्शन यूज में लेना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम सेट कर देते हैं F7 एंड कंट्रोल। तो कंट्रोल और F7 प्रेस करेंगे तो ये एक्शन एक्टिवेट हो जाएगा उस इमेज पे। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं तो अब हम जो भी कमांड्स यूज करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम एक नई इमेज ओपन करते हैं न्यू और यहाँ पे इसकी साइज रख लेते हैं 4x6। रेजोल्यूशन हमें 300 ही रखना है क्योंकि हमने जो 3.5x4.5 में पासपोर्ट साइज के लिए जो इमेज सेट की है उसका रेजोल्यूशन भी हमने 300 पिक्सल पर इंच ही रखा है। ओरिएंटेशन यहाँ पे हम लैंडस्केप रख लेते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये जो इमेज है इसको कंट्रोल ऑल और सी बटन प्रेस करके कॉपी कर लेना है और ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इसमें कंट्रोल ऑल शिफ्ट प्लस
वी प्रेस करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। अब हम इसे मूव टूल की सहायता से इस प्रकार से मूव कर लेंगे और इस इमेज पे हम स्ट्रोक लगाते हैं। तो एडिट मेन्यू में जाके स्ट्रोक ऑप्शन में यहाँ पे 2 पिक्सल का स्ट्रोक हम ब्लैक कलर का इनसाइड में लगाएंगे। आप चाहें तो सेंटर में या आउटसाइड में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया है। अब हम ऐड बटन प्रेस करके इस इमेज पे क्लिक करके इस प्रकार से ड्रैग करते हैं तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब हम इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर देते हैं कंट्रोल ई बटन प्रेस करके, और फिर से एल्ट बटन प्रेस करके इस प्रकार से एक कॉपी और बना लेते हैं। अब हम फिर से इस लेयर को मर्ज कर देते हैं और फिर से एल्ट बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी और बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पासपोर्ट साइज इमेज तैयार हो गई है। अब हम एक्शन को स्टॉप कर देते हैं, यानी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमने कमांड्स को यूज किया वो सब रिकॉर्ड हो गए हैं। और इस एक्शन को हमें यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस F7 बटन प्रेस करना होगा तो ये एक्शन उस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम इस इमेज को बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं कि फोटोशॉप में जो हमने एक्शन बनाया है वो काम कर रहा है या नहीं। एक न्यू इमेज ओपन करते हैं, जैसे ये इमेज ओपन करते हैं और इस इमेज को हम क्रॉप करते हैं 3.5x4.5 में, ताकि इसका भी हम एक पासपोर्ट साइज की शीट बना सकें। यहाँ पे आपको विड्थ हाइट रेजोल्यूशन 3.5x4.5x300 सेट करना है और ओके प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से ये एक पासपोर्ट साइज इमेज बन गई है। अब हम जो एक्शन हमने बनाया है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस F7 बटन प्रेस करेंगे और इस प्रकार से आपकी ये जो पासपोर्ट साइज शीट है ये तैयार हो गई सिर्फ 1 सेकंड में। तो इस प्रकार से एक्शन आपका काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। और अगर आप एक ही प्रकार की रिपीटेड टास्क करते हैं कई इमेजेस पे, तो वहाँ पे आप एक्शन बना के अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।